हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज़ आ रही मेरी? एक बारी कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग शेनू, रिम्पी, रक्षित, आवाज़ आ रही मेरी? एक बारी कंफर्म कर दो यार, प्लीज। हाँ जी सर, आ रही है। ओके, सो स्टार्ट कर दिया। माइक सब दे म्यूट हो गया। सो आंसर तुसी चैट बॉक्स दे वेची देना है। आज दी जो वीडियो है बेसिकली जो है वो प्रेसिडेंट बेस उपर है, ठीक है। अगर तुसी पंजाब पीसीएस या यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नायब तहसीलदार, पंजाब पीसीएस, पीसीएसएल, एनटीटी, ईटीटी, सीटेट, DSSB, पटवारी, जेल वार्डन, पंजाब पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जो है तुहाडे लिए इंपोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किहड़े भाग विच संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग पांच, ऑप्शन बी है भाग तीन, ऑप्शन सी है भाग चार, ऑप्शन डी है भाग छे। संविधान के किहड़े भाग विच संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? कार्यपालिका नूं कहिंदे आ एग्जीक्यूटिव। आंसर किसी का नहीं आया, क्वेश्चन नहीं शो हो रहा कि हेलो, क्वेश्चन शो हो रहा, हाँ जी सर। आंसर क्यों नहीं कर रहे फिर? सी आ रहा मोस्टली आंसर, अमरजोत दा पांच, संदीप कुमार दा ए आया। सो तुसी काउंट करने हैं किन्ने ताड़े क्वेश्चन सही जा रहे हैं, एंड ते दस्यो कि किन्ने ताड़े सही गए। सो इस दा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान दे भाग पांच दे विच संघ दी कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव दी गल कीती गई है। जो एग्जीक्यूटिव है केंद्र दी, उन्दे विच की आंदे आ? पहला आंदा है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री जिन्हों पीएम कहिंदे आ, और उसकी मंत्रीमंडल और अटोरनी जनरल, ठीक है। ये जो आ संघ की कार्यपालिका दे विच आउंदे आ। भाग तीन विच की आउंदे आ? अपने जो फंडामेंटल राइट आ उन्हां बारे जिक्र आ। फंडामेंटल राइट कित्थों लैके कित्थों तक है गया? आर्टिकल 14 तो लैके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट की गल की गई आ, ठीक है। फिर भाग जो चार है उन्दे विच किस की गल की गई है? उन्दे विच DPSP की गल की गई है, ठीक है। राज दे नीति निर्देशक तत्तां की गल की गई है भाग चार दे विच, ठीक है। भाग छे दे विच किहदी गल की गई है? स्टेट की कार्यपालिका की मतलब राज की कार्यपालिका की, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, भारत राज का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है CJI। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। पूजा का सी आया, बाकी सब का ए आया। सो इस दा राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो भारत राज का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक है? ऑप्शन ए है CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। बी आ रहा मोस्टली आंसर। सो इस दा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का पहला नागरिक जो है वो अपना राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चोण हुंदी है? ऑप्शन ए है लोगों द्वारा, ऑप्शन बी है चोन मंडल द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रेजिडेंट नू कौन इलैक्ट करता है? बी आ रहा मोस्टली आंसर। सो इस द राइट आंसर ऑप्शन बी है,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪਾਂਡੇਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੋਮੀਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਮੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਏ ਆਇਆ ਔਰ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਅਪੋਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇੰਟੂ 1/1000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ MP ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? MP ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਪੋਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ MP ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਏਕਲ ਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ A ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ A। ਏ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਏਕਲ ਸੰਕਰਮਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MP ਔਰ MLA ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਂਸਰ, ਡੋਲੀ ਦਾ ਡੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਬੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਤੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਨ ਸੰਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਨ ਸੰਜੀਵਨ ਰੈਡੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜੋ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਏ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ
अंतिम हुंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति दी नियुक्ति नू मानता नहीं दिंदी तां की होएगा। ऑप्शन ए है, उस द्वारा पहला किए गए सारे काम अवैध मने जाएंगे। ऑप्शन बी है, सारे पहला किए काम वैध रहेंगे। ऑप्शन सी है, कुछ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है, कोई भी नहीं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा, जे सुप्रीम कोर्ट किसी भी राष्ट्रपति दे इलैक्शन नू मानता नहीं दिंदी कि इलैक्शन जो है वो उन्दे विच धोखाधड़ी हुई है तो की होएगा। ये आ रहा मोस्टली आंसर, गगन का बी है, रक्षित का भी बी है। सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, जिन्हें भी उसने सारे काम पहला किए होंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो पहला वो सारे वैध रहेंगे। ठीक है, वो अवैध घोषित नहीं होंगे क्योंकि एक बंदा राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक और देश का कार्यकारी प्रमुख रहा है तो उस दे गए कार्य जो है वह वैध ही मने जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने लई किन्नी उम्र होनी चाहिदी है। ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 30 साल, ऑप्शन सी है 40 साल, ऑप्शन डी है 25 साल। किन्ने क्या, अमेरिका का राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है एक आदमी? जगसीर सिंह, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति दो बार बन सकता है कोई भी बंदा। भारत में यह जी कंडीशन नहीं है, भारत में किन्नी बारी भी मर्जी बन सकता। सो इस दा राइट आंसर ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति बनने लई 35 साल की उम्र होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति नू पद की सहुं कौन दवाउंदा है। ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है पूर्व राष्ट्रपति। जो कोई भी बंदा राष्ट्रपति इलैक्ट हुंदा है तो उसनू पद की सहुं कौन चुकाउंदा है? ए और सी आ रहा मोस्टली आंसर, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जगसीर सिंह का आया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जे चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया ना होए तो कौन चुकाएगा सौ? इसका आंसर पता है किसी? जे चीफ जस्टिस का पद खाली होए तो राष्ट्रपति कौन सौ चुकाएगा, या चीफ जस्टिस मौके ते ना उपलब्ध होए? जेड़ा सबसे बड़ा उम्र का मुख्य न्यायाधीश होगा। हाँ जी, जो भी सुप्रीम कोर्ट दे विच एज विच सब तो वड्डा जज होएगा वो राष्ट्रपति नू सोच काएगा, अगर CJI नहीं है तो। नैक्सट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समा है। ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 10 साल। ए आ रहा मोस्टली सब का आंसर। सो इस द राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत दे विच राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 साल है लेकिन अमेरिका दे विच 4 ईयर है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किस नू दिंदा है। ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। ए और बी आ रहा, रेनू का ए आया, बाकी सब का बी आ रहा, मनजीत का सी आया। सो इस दा राइट आंसर ऑप्शन बी, जदों भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो वह उपराष्ट्रपति नू ही देगा। नैक्सट क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने ते भी अपने पद ते बने रह सकता है। मैं रिपीट कर रहा, कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने ते भी अपने पद ते बनया रह सकता है, मतलब उसके कार्यकाल का समा जो 5 साल है वह पूरा हो चुका है, कि उस तो बाद भी वह बनया रह सकता है या नहीं? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है पता नहीं, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। फर्स्ट आ रहा और बी भी आ रहा। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए,
राष्ट्रपति अपना कार्यकाल अगर उसका 5 साल पूरा हो चुका है तो भी वह पद से बनिया रह सकता है। क्यों रह सकता है? उनका रीजन यह है कि उसका जेकर उत्तर अधिकारी हजे पद ग्रहण नहीं कर रहा था, ठीक है, उस तो बाद भी वह अपने पद से रह सकता है। नैक्सट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपर महाअभियोग की शुरुआत की जाती है। महाअभियोग मतलब इंपीचमेंट। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति उपर जो भी महाअभियोग जो है इंपीचमेंट चलाया जाता है तो वह कौन चला है? सी आ रहा और बी आ रहा, आंसर मोस्टली बी और सी ही आ रहा। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, संसद दे किसी भी सदन तो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोवां विचों किसी भी सदन तो शुरुआत की जा सकती है इंपीचमेंट की। और क्यों इंपीचमेंट चलाई जाती है? जेकर राष्ट्रपति संविधान का उलंघन करता है। हालांकि संविधान के विच इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान का उलंघन की चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट नूं लगता है कि राष्ट्रपति जो है वह संविधान का उलंघन कर रहा है तो वह इंपीचमेंट चला सकती है। लेकिन इसलिए की है, एक शर्त है, राष्ट्रपति नूं 14 दिन का पहला नोटिस देना पड़ेगा। और जो इंपीचमेंट चलाई जाएगी वह 2/3 मतलब 2/3 बहुमत तो बाद ही पास होएगी, ठीक है, दोवां सदनां दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है, जेकर राष्ट्रपति किसी कारण करके अपने काम का निर्वहन नहीं कर रहा तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो कौन राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? मैं रिपीट कर रहा, जेकर राष्ट्रपति किसी कारण करके मतलब बीमारी करके या कोई होर रीजन है तो अपने काम का जो है निर्वहन नहीं कर रहा और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो कौन राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा स्पीकर। बी आ रहा मोस्टली आंसर। सो नाल नाल ही ये भी दस दो, सो इस द राइट आंसर बी है, जेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पद रिक्त होए तो कौन राष्ट्रपति बनेगा? जे उपराष्ट्रपति भी नहीं है, CGI भी नहीं है तो कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट के विच वड्डी एज का जज है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शासन संबंधी सारे काम किस दे नाम ते हुंदे हन? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संबंधित मामले का मंत्री। डी आ रहा और डी किस दा आंसर आ रहा? सी आ रहा और डी आ रहा। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार दे जिन्ने भी शासन संबंधी काम आ वो सारे राष्ट्रपति दे नाम ते ही हुंदे आ। लेकिन ब्रिटेन दे विच की आ, राजा कदे भी दोषी नहीं हो सकता। ब्रिटेन दे विच जिन्ने भी कोई बिल पास हुंदा है तो उसका संबंधित मामले दे मंत्री नाल रिलेशन हुंदा है, उसका साइन हुंदे आ। लेकिन भारत दे विच किसे मंत्री दे साइन नहीं हुंदे, सिर्फ राष्ट्रपति ही साइन करदा। नैक्सट क्वेश्चन है, भारत दे अटोर्नी जनरल दी नियुक्ति कौन करदा है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। अटोर्नी जनरल बारे पता तुहानू सबनू कि कौन है? सो सब तो पहला एक बारी मैं अटोर्नी जनरल दे बारे दस दिना कि ये कौन है। आर्टिकल 76 दे विच अटोर्नी जनरल दे पद की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, ठीक है, और ये भारत सरकार नाल संबंधित किन्ने भी मामले होंदे आ उन्हां दी पेशी लई सुप्रीम कोर्ट दे विच पेश हुंदा है, ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर है। सो एक ये भी याद रख लियो, अटोर्नी जनरल दे पद की व्यवस्था किहड़े आर्टिकल विच कीती गई है? आर्टिकल 76 दे विच। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी
यूपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਗ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰਫ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕੈਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕੈਗ ਨਾ ਕਿ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਥਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਗਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਸਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਅੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੀ ਗੇ ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਤਿੰਨ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਸਦ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਆ ਅਗਰ ਸਦਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਦਨ 2 ਆ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗ ਜੋ ਆ ਉਹ 3 ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ 4 ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 4 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ
तो उसनू रोक के रख सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा ये अगर सरकारी कोई बिल पास हो रहा है, मतलब किसी मंत्री ने बिल पेश किया है और वो संसद दे विचों पास हो चुका है, लेकिन अगले ही दिन लोकसभा जो है वो भंग हो चुकी है, मतलब मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाती है, तो बिल जो है राष्ट्रपति रोक के रख सकता है। इसनू कहते हैं अंत्यातिक वीटो पावर। ठीक है, दूसरी वीटो पावर है निलंबनकारी वीटो पावर। उनके विच की होंगे कि राष्ट्रपति इस वीटो का यूज उदो करता है जो संसद दे विच की है कोई भी बिल जो है वो पास हो रहा हो, मतलब सिर्फ धन बिल नू छड़ के, मतलब मनी बिल नू छड़ के नहीं है, मनी बिल उपर कोई भी वीटो पावर लागू नहीं होंगी, क्योंकि मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की पहला पूर्व सहमति तो बाद ही संसद दे विच पेश किया जाता है। तीसरी है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो दे विच कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति को जाता है तो उसनू अपनी जेब विच रख लैंदा है, मतलब वो बिल नू ना तो संसद दे कोल भेजदा है, ठीक है, और वो बिल हमेशा लई वो राष्ट्रपति को रह के खत्म हो जाता है। इसनू पॉकेट वीटो कहते हैं, ना तो ही स्पष्ट है, पॉकेट का मतलब जेब दे विच रख लेना, अगे नहीं भेजना, ना तो संसद दे कोल भेजदा है ना ही उसनू पुनर्विचार लई भेजदा है, कोई उस उपर सहमति भी नहीं दिंदा। इस तो इलावा एक होर वीटो है जिहड़ी अमेरिका दे कोल है, वह है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो दे विच की हुंदा है कि अगर विधायिका द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है तो वह उच्च बहुमत द्वारा, मतलब दो तिहाई बहुमत द्वारा जो है वह बिल निरस्त किया जा सकता है, मतलब उस बिल नूं भंग किया जा सकता है। ये अपने भारतीय राष्ट्रपति कोल पावर नहीं है। हाँ जी जगसीर सिंह, क्लास डेली होंदी है, अज टाइम थोड़ा जा पहला कीता, 7:30 कीता, वरना अदरवाइज 8:30 होंदी है। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, की चीज ओल्टी दे कुछ कुछ लैक्चर होए आ, प्रधानमंत्री मैं कराया होया, चीफ मिनिस्टर कराया है, एजी कराया होया, इस तो इलावा 2-3 होर टॉपिक कराए हुए आ मैं, उन्होंने लैक्चर जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे कौन से चैनल के नाम पे है? मैं लिंक शेयर करता यूट्यूब दा, 1-2 मिनट रुक जाओ बस, क्योंकि ये डाउट ला लिए, फिर मैं लिंक शेयर करता। हाँ जियो करावांगा बस, क्योंकि आ हफ्ते दे विच विच आपां पॉलिटी खत्म कर देनी है और उस तो बाद जियो स्टार्ट हो। टाइमिंग अज लई तो यही आ, बाकी कल तो 8:30 भी हो सकता, देखते हैं। हाँ जी, किसी और दा कोई डाउट है? एक बारी डाउट पुछ। हाँ जी हाँ जी, मनदीप सिंह, देखो ये आपां सिर्फ प्रेजिडेंट इलेक्शन दी गल कर रहे हैं कि प्रेजिडेंट दा इलेक्शन लई वोट जो है वो किनियां, किस किसे एमपी दा और एमएलए दी वोट दी पावर किन्नी है, मैं उन्हां दी गल कर रहा हूं। अगर तुसी राष्ट्रपति दी इलेक्शन दी गल करोगे तो सब तो गुंजलदार इलेक्शन ही राष्ट्रपति दा। अगर मान के चलो किसी भी एक बंदे नू सब तो ज्यादा वोट नहीं मिलदियां तो उस दियां वोट जो है वो दूसरे नंबर वाले नू चलिया जांदियां, अगर दूसरे नंबर उपर भी कोई बंदा नहीं जित रहा तो उस दियां वोट जो है वो तीसरे नंबर नू चलिया जांदियां। सब तो गुंजलदार व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति दे इलेक्शन दी ही है अपने भारत दे विच। एमएलए और एमपी ही इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति नू, आपा लोग इलेक्ट नहीं ना करते राष्ट्रपति नू।